प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही संगीन मुद्दे पे एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि दारुल उलूम दियोबंद के मदनी ने यह फतवा जारी किया कि भारत में गजवा हिंद होना चाहिए, यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको मार देना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार गायत्री देवी जी को और की स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील और हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी दमदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। मदरसों में एंटर करने से पहले मीडिया को, इस मीडिया से लेकर के आईएएस ऑफिसर से लेकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर के कैबिनेट मंत्रालय से लेकर के सबको इतने चप्पल क्यों घिसने पड़ते हैं, इस मदरसे के भीतर होता क्या है। तो मैंने बड़ा रिसर्च किया और मैंने कुछ लोगों को लगाया कि भाई पता करो कि इन मदरसों के अंदर होता क्या है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि दीदी ये होता है मदरसों के अंदर। मैं चाहती हूँ कि इसको आप भी देखें और आपके देखने वाले व्यूअर्स भी गौर से देखें। कॉपीराइट आएगा गाने के ऊपर, वैसे चला दीजिए। अब तो मर्द भी सेफ नहीं है। मतलब दारुल उलूम में ये सिखाया जाता है, मुझे ये नहीं पता था कि इतने अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी सेफ नहीं है। जी ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाना चाहती हूँ जिसके जिसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक इस्लामिक प्रीचर है जिनको सुन करके लारा हाशमी ने भी गला रेत ही दिया था बस कंडक्टर का। और काफी ऐसे इस्लामिक प्रीचर हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं हमेशा, जो पाकिस्तान से बैठे होते हैं। अभी मैं महाराष्ट्र बॉम्बे में हूँ तो मुझे सना खान याद आ गई कि उसने अपने बेटे का नाम ही जूनियर तारिक मसूद रख दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली में दारुल उलूम हो, जोड़ा अवेसी हो, बर्क हो, मदनी हो, बुखारी हो, इनकी नजरों में मुसलमान लड़कियों की क्या औकात है। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे में बैठे हुए होते यहाँ पे। अगर अल्लाह मियां औरत को तलाक का हक दे देते ना, हम सब रंडे में बैठे हुए होते यहाँ पे। अभी इतना नहीं है, अभी मैं और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। वाइफ अगर मेंसेस की हालत में है ना, अगर बीवी को हैज में है और शौहर को फाइश है, तो वो किसी भी तरह से अपनी वाइफ के जरिए अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है, बशर्ते कि वो हराम रास्ता इख्तियार ना करे। हराम रास्ता क्या है वो कई दफा बयानात में बताया जा चुका है, यानी उसका हाथ इस्तेमाल कर सकता है। फिर वाइफ अगर मेंसेस की हालत, ये सिखाया जाता है मदरसों के अंदर, ये तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर, ये समझाया जाता है मदरसों के अंदर, अश्लीलता का बाजार खोल के रखा गया है मदरसों के अंदर, औरत के अंग अंग को, औरत के बॉडी के पार्ट को, औरत जो बत्ती बुझा करके अपने निकाह वाले शौहर के साथ करती है उसको खोल खोल करके बताया जाता है मदरसों के अंदर। इसीलिए किसी को एंटर करने की अनुमति नहीं है मदरसे के अंदर, यही वजह है। और दारुल उलूम के सरबराह जिन्होंने आज गजवाए हिंद का ऐलान किया है, उनकी भी बात सुन लीजिए कि उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि जब मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दिया जाए तो पसमांदा मुसलमान भी पढ़ लिख करके आगे आएंगे, तब उन्होंने क्या बोला था। तो कोर्स है, निसाबे तालीम है, जो किताबें हैं वो हमें इसकी इजाजत नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज को पढ़ें, इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिबान मगरिब के बाद या और ईशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़े, दारुल इसकी इजाजत नहीं देता है। ठीक है, दारुल उलूम इसकी इजाजत नहीं देता है, मतलब उम्र के 21 साल तक आपको हर हाल में सिर्फ इस्लामिक तालीम पढ़नी है और जिहाद कैसे करना है,
आपको गजवाए हिंद कैसे करना है, आपको औरतों से अपना डिस्चार्ज कैसे करवाना है, आपको औरतों को कितना पैरों के नीचे रखना है, आपको औरतों को कितना बेइज्जत करना है, आपको औरतों को कितना गाली गलौज करना है, आपको मुसलमान औरतों को कैसे बदचलन और आवारा साबित करना है, यही मदरसे में सिखाया जाता है। यही साहब मदनी साहब दारुल उलूम के सरबराह ने ये बात कही थी कि मर्द मुसलमान मर्द 80 साल तक जवान रहता है, इसलिए उसको दूसरी खेती में जाना पड़ता है और औरतें 42 साल में उनकी खेती खत्म हो जाती है। इसी मदनी साहब दारुल उलूम के मदनी साहब ने कहा था कि अगर 12 साल की उम्र में लड़कियों की शादी निकाह ना हो जाए तो वो आवारा हो जाती है। और आज इन्होंने अपने चरित्र को नंगा खुल्ला साबित कर दिया है कि ये गजवाए हिंद चाहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव। और ये ऐसी जगह बैठे हुए सहारनपुर 1866 की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये बोलूंगी कि ये खेती है टेररिस्ट की, ये खेती है सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की। अगर आप देखो तो इनके कनेक्शंस हर जगह टेररिज्म में ही निकल कर आते हैं। अगर आप बोलें तो ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस का हेड है, जिसके ऊपर आपने भी कई बार कमेंट्स किए हैं, जो सबसे ज्यादा वायलेंट थॉट्स निकल कर आते हैं सुन्नीस की तरफ से, उसको ये लीड करते हैं। पाकिस्तान में इनके बहुत बढ़िया बढ़िया कनेक्शंस हैं। टेरर फंडिंग के मैं ऑलरेडी बीच बीच में, जैसे नाजिया बात कर रही थी, मैंने कई बार फोटोग्राफ दिखाई है बीच में, टेरर फंडिंग में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। तबलीगी जमात को भी शायद यही लोग हेड करते हैं, यही लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ ऐसे ही है ना? कोऑर्डिनेट करते हैं। मैं कंटिन्यूअसली पैत्री जी आपके साथ एक साल से बैठ रही हूँ, कंटिन्यूअसली जो भी अच्छे मैटर्स होते हैं, जो भी अच्छे ब्रेकिंग टॉपिक्स होते हैं, हम उस पर कन्फ्रंट जरूर करते हैं। और मैंने कई बार इस बात को पॉइंट आउट कराया है कि भारत में अशांति फैलाने में जितना बड़ा हाथ सुन्नी मुसलमानों का है, उतना बड़ा हाथ किसी भी फिरके का नहीं है। सुन्नी मुसलमान के अंदर सबसे ज्यादा टेररिज्म माइंड है, सबसे ज्यादा। ये देवबंद जमात आज से नहीं, एक जमाने से ये टेररिज्म एक्टिविटीज फैला भी रहा है, करने की कोशिश भी कर रहा है और कई जगह पर कर भी रहा है। आप शाहीन बाग के पूरे सिनेरियो को उठाइएगा, देवबंद जमात का, दारुल उलूम का बहुत बड़ा हाथ था। आप प्रोवोकेटिव स्पीचेस जो वायरल होते हैं, जो वाइड स्प्रेड होते हैं, उसमें दारुल उलूम का हाथ बहुत लंबा और बहुत बड़ा हमेशा रहा है। तब जाकर के 2 साल पहले सर्वोच्च न्यायपालिका को इंटरवीन करना पड़ा और वेबसाइट को बैन करना पड़ा। आप एनआरसी और सीए की विरोधिता में देखिएगा, दारुल उलूम का सबसे बड़ा हाथ रहा है, सबसे बड़ा हाथ रहा है। आप ट्रिपल तलाक की विरोधिता में देखिएगा, विरोध में देखिएगा, दारुल उलूम का सबसे बड़ा हाथ रहा है। यूसीसी के विरोध में देखिएगा, दारुल उलूम का सबसे बड़ा हाथ रहा है। हिजाब का जो मैटर उठा था, उसमें दारुल उलूम का सबसे बड़ा हाथ रहा है। तो आप मुझे बताएं, और एटीएस अभी पिछले 7-8 साल से जितने लोगों को पकड़ रही है, वो कोई ना कोई दारुल उलूम का कोई ना कोई शागिर्द, पहले तो जाकिर नायक का शागिर्द पकड़ाता था, अब दारुल उलूम का शागिर्द पकड़ा रहा है। आपको मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि सुन्नी और सुन्नी से रिलेटेड जितने भी मदरसे और जितने भी इमामबाड़े, जितने भी ईदगाह, जितने भी मजार और जितने भी ये इस्लामिक प्रीचर हैं, इनके दिमाग में 24 घंटा सोते उठते जागते बैठते इनके दिमाग में गजवाए हिंद चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तारिक जमील, तारिक मसूद, बिलावल भुट्टू और लाल टोपी, बेनजीर भुट्टू के और लश्कर तैयबा, हजबुल मुजाहिदीन, उसके बाद फिर हाफिज सईद के दिमाग में जैसे गजवाए हिंद चलता है, वैसे ही दारुल उलूम के दिमाग में भी गजवाए हिंद चलता है। तभी ये 2022 में योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक सेंटर खोला इसी जगह पे जानबूझकर, और खुले में बोला एटीएस सेंटर इन देवबंद विल कीप टेरर अवे। सबको पता था कि वो क्या कहने की कोशिश करें, ये फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने मास प्रोडक्शन की, जिसको बोलते हैं, जहां से मतलब बच्चे जाते हैं मेरे ख्याल से इनोसेंट एज में और बाहर निकल कर आते हैं, तो फिर उनको वो अल्लाहू अकबर बोलकर अपने बॉम्ब शरीर पर बॉम्ब बांधना ही आता है। एक इसके साथ और चीज आपको और बताना चाहूंगी गायत्री जी, आई थिंक 8 महीना पहले का फतवा है दारुल उलूम का, जब एडुकेशन डिपार्टमेंट के आईएएस ऑफिसर लोगों ने जब विजिट किया था, तो उन्होंने कहा था कि दाढ़ी ट्रिम करवा दिया कीजिए,
बच्चे एडुकेशन हासिल कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी ट्रीम रहेगी तो वो स्टूडेंट लगेंगे। तो फतवा जारी किया इन्हीं मदनी साहब ने, दारुल उलूम के सरबराह ने, कि भाई बच्चा मदरसे के अंदर एंटर नहीं करेगा अगर उसका उसका उसकी दाढ़ी ट्रिम की हुई रहेगी। जैसे बढ़ रही है वैसे बढ़ने दो दाढ़ी। पैजामा उटंगा होना चाहिए, लंबा कुर्ता होना चाहिए, नाड़ा बिल्कुल टाइट होना चाहिए, सर पर जालीदार टोपी होनी चाहिए, दाढ़ी जैसे निकल रही है वैसे निकली भी होनी चाहिए, बदन से बदबू आना चाहिए और जुबान पर जिहाद होना चाहिए और गजवाए हिंद होना चाहिए। 8 महीना पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जस्ट बिफोर 8 मंथ्स। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज, जिस तरीके से नाज़िया खान जी ने इन मजहब के ठेकेदारों की पोल खोली, इनकी सच्चाई आपके सामने लाई, वो भी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, वो आपको काफी पसंद आया होगा, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।